Hello dear students, today we will discuss about Fehling solution, that is the second reagent. ये हमारे पास second reagent है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? तो Fehling solution हमें पढ़ना है. Tollens reagent हम पढ़ चुके हैं. हमने कहा था कि जो हमारे पास reducing sugar होती हैं, ठीक है, जो हमारे पास reducing sugar होती हैं उसकी हम बात कर रहे हैं. जो रिड्यूसिंग शुगर होती है वो टेस्ट को, Fehling सॉल्यूशन वाला जो टेस्ट हमारे पास होता है, Fehling सॉल्यूशन के टेस्ट को भी क्या कर देती हैं, यानी Fehling सॉल्यूशन को भी क्या कर देती हैं, रिड्यूस कर देती हैं, क्योंकि इनका काम ही रिड्यूस करना होता है. ये सब भी हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं कि जो रिड्यूसिंग शुगर होती है वो क्या करती है, रिड्यूस करती है किसको, Fehling सॉल्यूशन को भी, Tollens रिएजेंट को भी, एंड देन उसके बाद हमने पढ़ा बेनेडिक्ट सॉल्यूशन. इन सारे सॉल्यूशंस को क्या कर देती हैं, रिड्यूस करती हैं. ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है. जो Fehling सॉल्यूशन होता है उसमें हमारे पास दो होते हैं सॉल्यूशन. एक हमारे पास होता है Fehling ए, ठीक है, एक होता है Fehling ए सॉल्यूशन हमारे पास होता है, और एक हमारे पास होता है Fehling सॉल्यूशन बी हमारे पास होता है. यानी ए को और बी को जब आप मिक्स करेंगे तब आपके पास Fehling सॉल्यूशन की फॉर्मेशन होगी. इतना क्लियर हो गया सभी को कि जो आपको ये Fehling सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है, ये Fehling सॉल्यूशन दो सॉल्यूशंस का बना हुआ है. Fehling ए होता है, एक हमारे पास Fehling बी होता है, ठीक है. अब Fehling ए में हम पढ़ेंगे कि Fehling ए में होता क्या है. मेरी बात ध्यान से सुनो. तो Fehling ए जो हमारे पास होता है उसकी हमें बात करनी है कि Fehling ए में क्या प्रेजेंट होता है. तो Fehling ए में क्या होता है, कॉपर सल्फेट होता है. ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें, जल्दी जल्दी करेंगे. इसमें होता है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है. और जो Fehling बी हमारे पास होता है उसमें होता है रोचीले सॉल्ट हमारे पास होता है. क्या होता है हमारे पास, रोचीले सॉल्ट होता है, ठीक है. इतना समझ में आ गया, दो सॉल्यूशन हमारे पास है. Fehling ए हमारे पास है, Fehling बी हमारे पास है. Fehling ए के अंदर क्या, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है, और ये कम्प्लीटली एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है. ये हमारे पास रोचीले सॉल्ट होता है. रोचीले सॉल्ट किसी का, किस चीज का होता है, दैट इज सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट हमारे पास होता है. सोडियम एंड पोटेशियम का हमारे पास क्या होता है, सॉल्ट होता है. सॉल्ट ऑफ टार्टरिक एसिड हमारे पास होता है. क्या होता है हमारे पास, टार्टरिक एसिड का हमारे पास क्या होता है, एक सॉल्ट होता है. इतना समझ में आ गया, आप सभी को क्लियर दिखाई दे रहा है कि Fehling ए के अंदर क्या होता है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है ब्लू कलर का. Fehling बी के अंदर क्या होता है, रोचीले सॉल्ट होता है, दैट इज सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ टार्टरिक एसिड हमारे पास होता है, ठीक है. इन दोनों का हम रिएक्शन कराएंगे, इन दोनों को मिक्स करेंगे, तब जाके हमारे पास टोटल क्या बनेगा, एक Fehling सॉल्यूशन की हमारे पास तब फॉर्मेशन हो, तब हमारे पास क्या होगा, Fehling सॉल्यूशन जो है वो तब हमारे पास बनेगा. इतनी बात समझ में आ रही है इसमें. देखो हमें अभी इसका रिएक्शन करके बताएंगे कैसे ये रिएक्शन होता है, ठीक है. हमने बोला कि हमारे पास क्या है, एक Fehling ए हमारे पास है, ठीक है. Fehling ए हमारे पास है, साथ में हमारे पास क्या होता है, Fehling बी हमारे पास होता है. इतना आप सबको पता चल गया कि कॉपर सल्फेट होता है. Fehling ए के अंदर कॉपर सल्फेट होता है, और Fehling बी के अंदर क्या होता है, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट हमारे पास होता है. टार्ट्रेट उसे कहा जाता है, ठीक है. इसके मैं फॉर्मूला लिख लेती हूँ, ठीक है. टार्ट्रिक एसिड का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है. यहाँ पर OH ग्रुप होता है, यहाँ पर भी OH ग्रुप होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन होती है, यहाँ पर हाइड्रोजन होती है, और यहाँ पर हमारे पास कार्बन. ये हमारे पास टार्ट्रेट है. एट वर्ड लगा हुआ है, इसका मतलब इस पर नेगेटिव चार्ज है. समझ में आया मेरी बात, ठीक है. ये हमारे पास टार्ट्रिक एसिड का टार्ट्रेट एनायन है, ठीक है. टार्ट्रिक एसिड में क्या होता है, हमारे पास दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ऐसे. ये OH ग्रुप, ये OH ग्रुप हमारे पास होता है, ठीक है. और यहाँ पर भी हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है. ये हमारे पास टार्ट्रिक एसिड का फॉर्मूला. ये हमारे पास किसका है, टार्ट्रिक जो हमारे पास एसिड होता है उसका फॉर्मूला. इसके जस्ट पॉजिटिव आयंस को हमने रिप्लेस कर दिया है, सोडियम आयन से रिप्लेस कर दिया, और यहाँ पर हमने पोटेशियम आयन से हमने इसको रिप्लेस कर दिया. इतना समझ में आएगा. तो ये हमारे पास क्या है, एक रोचीले सॉल्ट हमारे पास है, जिसमें कार्बोक्सिलेट एनायन हमारे पास होता है. कार्बोक्सिलेट ग्रुप के साथ सोडियम पॉजिटिव लगा हुआ, और इसके साथ क्या लगा हुआ है, पोटेशियम पॉजिटिव लगा हुआ. इसके साथ सोडियम पॉजिटिव, यहाँ पर पोटेशियम पॉजिटिव. तो हमारे पास क्या होगा, रोचीले सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी. इसका रिएक्शन क्या होता है, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन होता है. और जो ये दो हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं डायरेक्टली कॉपर के साथ क्या हो जाते हैं, कोऑर्डिनेटेड हो जाते हैं. देखो क्या करते हैं, इसमें से एच पोस्टियन और वाटर यहाँ से निकल जाता है. किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है वो बात ध्यान से सुनो, किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है वो मैं आपको बनाती हूँ. यहाँ पर दोनों का रिएक्शन होगा सिंपल, कॉपर सल्फेट का और यहाँ से जो टार्ट्रिक एसिड है, टार्ट्रेट हमारे पास, उसके साथ रिएक्शन होगा. और फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा वो देखो, यहाँ पर क्या होगा, ये तो हमारे पास सोडियम की फॉर्म में ही प्रेजेंट है, नेगेटिव है, ठीक है. यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर एच, ये हमारे पास पोटेशियम के साथ था, तो यहाँ पर ये कॉपर के साथ जॉइंटेड हो जाता है. तो ये हमारे पास होता है Fehling सॉल्यूशन. ये हमारे पास क्या होता है,
फैलिंग सॉल्यूशन हमारे पास होता है, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि फैलिंग सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है। फैलिंग सॉल्यूशन ये हमारे पास यहाँ पर क्या है, पोटेशियम का, ऊपर तो कार्बोक्सिलेट एनायन का है सॉल्ट किसके साथ, सोडियम के साथ, और नीचे हमारे पास क्या है कार्बोक्सिलेट का पोटेशियम के साथ सॉल्ट हमारे पास है, और ये दोनों ऑक्सीजन एटम जो होती है कॉपर से कोऑर्डिनेटेड हो जाती हैं, तो इस कॉम्प्लेक्स की हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये होता है हमारे पास फैलिंग सॉल्यूशन के अंदर। जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं ग्लूकोज के साथ, क्योंकि ग्लूकोज हमारी क्या होती है एक मोनोसैकेराइड शुगर होती है और एक रिड्यूसिंग शुगर हमारे पास होती है, जब इसका, क्योंकि हमें पता है शुगर क्या करने वाली है, ये जो शुगर होती है क्या होती है रिड्यूसिंग शुगर होती है, क्या होती है रिड्यूसिंग शुगर होती है, ये रिड्यूस करेगी, यानी इसको क्या करेगी रिड्यूस। मैंने बताया था टॉलरेंस रेजेंट में कि जब भी हम रिडक्शन करते हैं वो हमेशा मेटल्स का रिडक्शन करते हैं, यानी यहाँ पर जो ग्लूकोज है यहाँ पर कॉपर जो होता है वो किसकी फॉर्म में होता है, कॉपर ऑक्साइड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और कॉपर ऑक्साइड कौन सी फॉर्म में होती है, कॉपर टू पॉजिटिव में और कॉपर टू नेगेटिव में होती है, यानी कॉपर जो होता है प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है, यानी ग्लूकोज क्या करेगी इसको इलेक्ट्रॉन देगी, और जो हमारे पास कॉपर टू पॉजिटिव है वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट में। इतना समझ में आ रहा है सभी को, यानी जो हमारे पास ग्लूकोज शुगर है उसने क्या करना है रिडक्शन करना है, उसने क्या करना है रिडक्शन। अगर मैं कहीं पर भी रिडक्शन वर्ड यूज़ करती हूँ इसका मतलब मैं क्या डोनेट कर रही हूँ, इसका मतलब मैं क्या कर रही हूँ इलेक्ट्रॉन का एडिशन कर रही हूँ। इतना समझ में आ रहा है। तो ग्लूकोज यहाँ पर क्या है एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो दूसरों को रिड्यूस करती है, बात हमेशा, अगर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ रिड्यूसिंग एजेंट, अगर मैं कहीं पर भी एजेंट वर्ड लिखती हूँ तो एजेंट वो होता है जो दूसरों के ऊपर ऑपरेट करता है, जो क्या होता है दूसरों पे ऑपरेट करता है, यानी दूसरों को इलेक्ट्रॉन क्या करेगा प्रोवाइड करेगा, यानी दूसरों का क्या करेगा रिडक्शन करेगा, ठीक है। रिडक्शन का मतलब होता है दूसरों को इलेक्ट्रॉन दे देना, तो ये दूसरों को इलेक्ट्रॉन देगा। तो यहाँ पर क्या होती है हमारे पास, हमने यहाँ पर क्या लिया ग्लूकोज शुगर हमने यहाँ पर लिया, टेस्ट देखो कैसे होता है, ग्लूकोज का रिएक्शन हमने कराया किसके साथ, फैलिंग सॉल्यूशन के साथ हमने रिएक्शन कराया, हमने किसके साथ रिएक्शन कराया फैलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कराया। तो आपको प्रोडक्ट में क्या मिलेगा वो बात ध्यान से देखो, फैलिंग सॉल्यूशन का कलर जो होता है वो बिल्कुल ही ब्राउन कलर होता है, क्या सॉरी ब्लू कलर होता है, फैलिंग सॉल्यूशन का कलर जो होता है ब्लू कलर होता है, ग्लूकोज में पता ही होती है वाइटिश कलर का सॉल्यूशन हो जाएगा अगर आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा वो बात ध्यान से सुनो, जो आपकी एल्डिहाइड होती है उसके अंदर क्या प्रेजेंट, सॉरी ग्लूकोज जो होती है उसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, जितने मोनोसैकेराइड शुगर्स होती हैं उनके अंदर या तो एल्डिहाइड होता है या फिर उनके अंदर क्या होता है कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये जो ग्लूकोज है ये क्या करती है दूसरों को तो रिड्यूस करती है, दूसरों को तो क्या करेगी रिड्यूस करेगी, उनके ऊपर इलेक्ट्रॉन का एडिशन कराएगी, यानी खुद तो दूसरों को क्या करेगी रिडक्शन करेगी, और ग्लूकोज का क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन हो जाएगा। समझ में आ रही मेरे, तो ग्लूकोज यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑक्सीडाइज हो जाएगी, RCOO नेगेटिव मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ये बनेगा ग्लूकोज का, ग्लूकोज का प्रोडक्ट ये बन जाएगा, साथ में हमारा क्या निकल जाएगा कॉपर 2O की फॉर्मेशन हो जाएगी। यहाँ पर कॉपर जो है हमारे पास प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट में है, क्योंकि फैलिंग सॉल्यूशन में हमारे पास क्या होता है कॉपर ऑक्साइड और टू पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव हमारे पास होता है, यानी कॉपर यहाँ पर टू पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहाँ पर किस स्टेट में चला गया प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट में, मतलब कि यहाँ पर एक कॉपर है फिर दूसरा कॉपर है, एक ऑक्सीजन पे दो नेगेटिव चार्ज है, एक ऑक्सीजन पे टू नेगेटिव चार्ज होता है, और इन दोनों कॉपर पे इस पे प्लस वन होता है, इस पे भी प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, यानी कॉपर जो यहाँ पर हमारे पास प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में था यहाँ पे किस में चला जाता है प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है, इसी की मैंने खोल के लिखा है। तो यहाँ पर प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है, यानी इसको हमने क्या किया एक इलेक्ट्रॉन का इसको हमने गेन किया है, यानी एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर गेन हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन किसने प्रोवाइड किया है शुगर ने प्रोवाइड किया, जो हमारे पास ग्लूकोज ये क्या कर रही है इलेक्ट्रॉन दे रही है इसको, कॉपर को एक इलेक्ट्रॉन दे रही है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तभी तो प्लस टू ऑक्सीजन स्टेट से प्लस वन में जा रहा है। तो ये किस कलर का हो जाता है रेड कलर का हो जाता है, किस कलर का होता है ये रेड कलर का सॉल्यूशन हो जाता है, जब भी रेड कलर का आपका सॉल्यूशन बन जाता है इसका मतलब इसमें क्या प्रेजेंट होती है रिड्यूसिंग शुगर इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट होती है रिड्यूसिंग शुगर, ये आपको ध्यान रखना है। आपको सिर्फ इतना इसमें इतना ध्यान रखना था कि जो आपके पास फैलिंग सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, फैलिंग सॉल्यूशन जो होता है उसका तो हम क्या करते हैं जो क्या नाम था इसका ग्लूकोज, ग्लूकोज जो होती है वो एक रिड्यूसिंग शुगर होती है और वो क्या कर देती है कहाँ गई ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या करती है रिड्यूसिंग शुगर होती है जो फैलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देती है। देखो रिड्यूस कैसे किया, फैलिंग सॉल्यूशन में जो कॉपर टू प्लस आयन है कॉपर टू प्लस आयन को किस में कन्वर्ट कर दिया कॉपर प्लस वन आयन में कन्वर्ट कर दिया, कॉपर प्लस टू को प्लस वन ऑक्सीजन स्टेट में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का एडिशन हुआ है और ये इलेक्ट्रॉन किसने दिया है ग्लूकोज ने है, तो ग्लूकोज क्या है यहाँ पर एक रिड्यूसिंग शुगर होती है क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन किया है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का इसने गेन किया इलेक्ट्रॉन्स ने डोनेट किए हैं। तो यहाँ पर कॉपर प्लस वन ऑक्सीजन स्टेट में उसका कैसा कलर होता है रेड कलर का सॉल्यूशन बन जाएगा, इसका मतलब ये शुगर कौन सी है रिड्यूसिंग शुगर, अगर रेड कलर का सॉल्यूशन बन जाता है इसका मतलब कौन सी शुगर है रिड्यूसिंग शुगर, दैट इज़ योर टेस्ट। ओके थैंक यू सो मच।